हेलो, कैसे हो दोस्तों। मैं हूं आपका एक्सेल दोस्त हिरेन शुक्ल और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल हिरेन एक्सेल फ्रेंड में। आज का हमारा मेन जो टॉपिक है वो है जॉइनिंग, हाउ टू जॉइनिंग टेक्स्ट एंड टेक्स्ट प्लस हाउ टू जॉइनिंग टेक्स्ट एंड नंबर्स। ये जो ट्यूटोरियल फाइल है वो आप प्रैक्टिस फाइल जो एक्सेल शीट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। तो हम लोग सिंपल एग्जांपल के साथ शुरू करेंगे। अगर हमको टेक्स्ट और टेक्स्ट दो सेल को अगर ज्वाइन करना है हमको, तो उसको कैसे करते हैं? तो नॉर्मली एंड साइन जो है उसका फॉर्मूला में यूज होता है दो सेल को ज्वाइन करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस। पहले सिंपल बेसिक एग्जांपल हम लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमारे पास है, उस दोनों को हमको चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है B3 एंड C3। अभी एंटर प्रेस करूंगा तो अभी आप देखिए कि दोनों के बीच में स्पेस नहीं है, ना तो कोमा है। जैसे कि यहाँ पे हमको हेडर में दिया है हमको यहाँ पे कोमा चाहिए, तो हम क्या करेंगे अभी? तो जो एंड है उसके बाद इन्वर्टेड कोमा, उसके बाद कोमा, मतलब कि हमको जो चाहिए यहाँ पे हमको कोमा चाहिए तो कोमा। ये जो इन्वर्टेड कोमा जो है उसके बीच में जो भी आप रखेंगे, चाहे आप स्पेस रखेंगे, कोमा रखेंगे, या तो कोई और सिंबल रखेंगे, या तो कोई अल्फाबेटिक या न्यूमेरिकल जो भी आप एंट्री करेंगे, उस तरीके से वो ज्वाइन करेगा। और फिर से एक बार एंड यहाँ पे हम करेंगे और एंट्री। अभी देखिए जो जैसा हमको डेटा चाहिए था वैसा मिल गया है। तो उसी तरह यहाँ पे फुल नेम में इज इक्वल टू B3 एंड इन्वर्टेड कोमा, उसके बाद में स्पेस दे रहा हूँ मैं, फिर से इन्वर्टेड कोमा यहाँ पे। अभी इस बार मुझे कोमा नहीं चाहिए, सिर्फ स्पेस चाहिए। और इसके बाद फिर से एंड और उसके बाद C3। अभी एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए आप यहाँ पे फुल नेम मिल गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, राइट। तो इसी तरह आपको पूरा डेटा यहाँ पे मिल जाएगा इस तरीके से। अभी हम लोग जाते हैं, मूव करते हैं टेक्स्ट और नंबर, उस दोनों को कैसे साथ में ज्वाइन करें। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए आप डेटा है, उसमें यहाँ पे टेक्स्ट है, ये जो लिखा हुआ है टुडेज डेट ये टेक्स्ट है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं आज की डेट दिख रही है, वहाँ पे मैंने फॉर्मूला एक सेट किया। मैं और एक चीज़ बता देता हूँ, फॉर्मूला इज इक्वल टू टूडे। यानी आप कभी भी ये एक्सेल फाइल को खोलेंगे जब भी, तो आपको लेटेस्ट डेट आज की जो डेट रहेगी, मान लीजिए ये पाँच दिन बाद मैं ओपन करता हूँ, तो 5 दिन बाद की यानी 28 मई, तो 28 मई ऑटोमेटिक आ जाएगा। मुझे यहाँ पे मैन्युअली टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये एक फंक्शन और सीख लेंगे ये वीडियो में, इज इक्वल टू टूडे, और उसके बाद में लेफ्ट एंड राइट ब्रैकेट उसको क्लोज कर देना है। सिमिलरली करंट टाइम के लिए भी एक ऐसा फॉर्मूला है, इज इक्वल टू नाउ, यानी अभी का जो करंट टाइमिंग जो रहेगा वो बताएगा, वो अल्टीमेटली वो अपडेट होता रहेगा जो भी टाइम होगा। अभी 8:11 हुआ है शाम के, तो उसी तरह आप जब भी ये इज इक्वल टू नाउ जो यहाँ पे आपको फॉर्मूला बार में भी दिख रहा होगा, तो ये आप फॉर्मूला यूज करने से आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। तो एल कॉलम में जो हमारे पास है वो टेक्स्ट है, और एम कॉलम में जो है हमारे पास वो नंबर, मतलब यहाँ पे हमारे पास जो डेट और टाइमिंग जो है अल्टीमेटली वो एक नंबर ही है ना। तो उसको हमको ज्वाइन कैसे करना है आप देखिए। तो मैं सबसे पहले नॉर्मली जैसे हमने किया था वैसे ही मैं करता हूँ, इज इक्वल टू ये टेक्स्ट एंड इन्वर्टेड कोमा स्पेस इन्वर्टेड कोमा एंड ये डेट सिलेक्ट करता हूँ। अभी एंटर प्रेस कर रहा हूँ। अभी आप देखिए कि ये कैसा दिख रहा है यहाँ पे, जैसे मैंने ऑलरेडी करके रखा है फॉर्मूला, बट आपको दिखाने के लिए फिर से मैं कर रहा हूँ। अब देखिए पूरा जो डेट है उसको 43974 कुछ अल्फाबेटिक में आ गया, पता नहीं क्या हो गया, ऐसा लग रहा है हमको। तो अभी एक्सेल को क्या है कि हमको क्या फॉर्मेट चाहिए, रिजल्टिंग हमको जो रिजल्ट जो स्ट्रिंग है उसमें हमको किस तरीके से करना है वो एक्सेल को पता नहीं चलता है। तो एक्सेल को पता चले कि हमको रिजल्ट क्या चाहिए, तो उसको हमको बताना पड़ेगा कि हमको किस फॉर्मेट में चाहिए। तो उसके लिए हमको एक यूज़ करना पड़ेगा टेक्स्ट फॉर्मूला, इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इधर टाइमिंग का भी हम देख लेते हैं, ये एंड इन्वर्टेड कोमा स्पेस इन्वर्टेड कोमा एंड हमारा ये जो है टाइमिंग, इसको करेंगे तो भी ऐसा दिख रहा है। तो अभी फाइनल हम कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू जो इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है वैसे दिखेगा हमको। तो इज इक्वल टू हमारा ये जो टेक्स्ट है वो एंड
इन्वर्टेड कोमा स्पेस इन्वर्टेड कोमा एंड, अभी डायरेक्टली हमको जो नंबर है वो नहीं करना है, जहाँ पे हमारा नंबर सेल है उसको डायरेक्टली नहीं करना है, उसकी जगह पे हमको टेक्स्ट फॉर्मूला का यूज करना है। तो टेक्स्ट उसके बाद में ब्रैकेट ओपन, अभी वैल्यू जो है हमारा पहला जब दिख रहा है आपको तो वैल्यू, तो यहाँ पे हमको वैल्यू जो हमारा डेट है वो सिलेक्ट करना है, यानी मतलब हमारा नंबर जो है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद में कोमा और नेक्स्ट आ रहा है आपका फॉर्मेट टेक्स्ट, यानी अभी हमारा डेट का फॉर्मेट क्या है वो बताना पड़ेगा हमको, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो इन्वर्टेड कोमा, अभी हमारा सबसे पहले 23 यानी डेट है, यानी डी डी, मैं ये फॉर्मेट कैसे ढूंढना है वो भी बताता हूँ, है ना। डैश एम एम यानी मंथ, डैश ईयर वाई 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 और इन्वर्टेड कोमा और ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये अभी हमारा एकदम फुल हो गया कंप्लीट, अभी मैं प्रेस करता हूँ एंटर, तो अभी देखिए हमको प्रॉपरली ज्वाइन हो गया दोनों, टेक्स्ट और नंबर दोनों सही तरीके से हमको जो फॉर्मेट में चाहिए उसी तरह दिख रहा है, जो रिजल्ट हमको चाहिए वो मिल रहा है उसी तरह। टाइमिंग में इज इक्वल टू ये टेक्स्ट इनटू इन्वर्टेड कोमा स्पेस इन्वर्टेड कोमा एंड इन्वर्टेड कोमा, अभी फिर से हम टेक्स्ट यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन, अभी वैल्यू हमारा क्या है सबसे पहले टाइमिंग, उसके बाद इसको फॉर्मेट, अभी टाइम को टाइम का फॉर्मेट कैसा रहता है, तो इन्वर्टेड कोमा अवर्स में रहता है डॉट एच एच, उसके बाद कॉलन, उसके बाद मिनट है तो एम एम, उसके बाद स्पेस, उसके बाद ए एम या तो फिर पी एम, और उसके बाद इन्वर्टेड कोमा और उसके बाद ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया, ये कैसे ढूंढना है मैं भी बताता हूँ, आप घबराइएगा मत। एंटर, देखिए इस तरीके से हमारा मिल गया, इस तरीके से हमको जो चाहिए उसी तरह मिल रहा है। अगर आपको नहीं पता है, मान लीजिए क्या फॉर्मेट रखना है वो नहीं पता है, तो आप कैसे ढूंढेंगे, तो एक शॉर्टकट है, आप कोई भी सेल पे, यहाँ पे सेल पे गए कंट्रोल वन प्रेस करेंगे तो भी खुलेगा, दूसरा तरीका है राइट क्लिक और फॉर्मेट सेल, तो फॉर्मेट सेल में जाएंगे तो यहाँ पे नंबर के अंदर में ही कस्टम करके लास्ट में आप देखेंगे तो कस्टम में बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट दिए हैं, जैसे कि डेट के दिए है, टाइमिंग के दिए है, आप देख सकते हैं यहाँ डी डी एम एम वाई दिख रहा है, ये टाइमिंग का दिख रहा है, एच एम एम ए एम पी एम, तो इस तरीके से सभी दिए है काफ़ी सारे टेक्स्ट, तो आपको कौन सा फॉर्मेट चाहिए क्या चीज़ का उस तरीके से आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आए और वो सही में काम आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, भूलिएगा मत। कमेंट बॉक्स में आपके फीडबैक और सजेशन और नए वीडियो की रिक्वेस्ट आप लिख सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं। देखते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ आपकी इस पसंदीदा YouTube चैनल शिरन एक्सेल फ्रेंड के साथ। खुश रहे और अपने परिवार को खुश रखिए। थैंक यू।